Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from CodeLab. Today we are going to solve this problem. As you can see that the contest is over and my code is successfully accepted and I did this contest on a live contest. Okay, so the first question is very easy. What we have to do is only let's read the question first. If you have not done yet, try to read the question and do it right yourself. Okay, pause the video and try it yourself, then after see the tutorial. Okay, so let's start this video. There is a bag, एक bag है जिसके अंदर contain करता है colored balls. There are n different colors of the ball. So n different color ball है, numbered from 1 to n. एक से लेके n तक की गिनती में वहाँ पे balls हैं. The count और इसका जो sum आने वाला है ना हमेशा odd आने वाला है. At some point मतलब कहने का कि एक move में you can choose two different colors. दो different colors को आप निकाल के से बाहर कर सकते हो. Let's suppose कि पहला जैसे आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे दो एक चार एक कलर के चार बॉक्स है और दूसरे कलर के सात बॉक्स है. अब पहले मैंने एक बॉल इसका निकाल लिया और एक बॉल इसका निकाल लिया, सात वाले का एक निकाल लिया और चार वाले का निकाल लिया, तो आखिर में क्या बचेगा, तीन वाले का एक बचेगा, यानी कि ये जो सेवंथ वाला है वो मैक्सिमम है. तो हमें बस इसके अंदर ये ऑब्जर्व करना था कि इसके अंदर कौन सा हाइएस्ट ग्रेटेस्ट है वो भी प्रिंट करना है, बस सिंपल सा. ठीक है, तो एक बार कोड करते हैं इसको. हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मेन एनटी सीएनटी वाइल टी की वैल्यू घटती जाएगी एंड एन आपको एन दी इंटीजर एन दिया रहेगा तो सीन कर लेते हैं एन के साथ. फिर इंटीजर एरे है जिसकी साइज एन है, फॉर लूप चलाएंगे. ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप चला के वैल्यूज को इनपुट लेना है. फॉर इंट आई की वैल्यू जीरो शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, सीन कर लिया मैंने एरे ऑफ आई को, एरे इसके अंदर जहाँ पर वैल्यू जा चुकी है. अब एक ए है जिसकी वैल्यू अभी फिलहाल जीरो है, फॉर लूप चलेगा. फॉर इंट आई की वैल्यू एक से शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन तक जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, क्या करना है आपको, इफ कंडीशन लगाना है. इफ इफ एरे ऑफ आई की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल हुआ एरे ऑफ ए की, ए जो पोजीशन है, अगर है ऐसा तो जो ए है उसकी वैल्यू आई कर दो. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, सी आउट करना है ए प्लस में वन. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो एरे होता है जीरो से स्टार्ट होता है और जो पोजिशन बोल रहे हैं वो अब एग्जैक्ट पोजीशन बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई हमने एक इसमें ऐड किया. अब आप इसे रन करते हो तो यू विल गेट अ सक्सेसफुल समेशन. मैं यहाँ से ए ले लूं. ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं, लेट्स रन दिस कोड, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, 1 और 2. अगर इस कोड को आप सबमिट करते हो यू विल गेट अ सक्सेसफुल समेशन. और इसके लर्निंग पॉइंट ये था कि आप किस तरीके से इस चीज को यूज करते हो. ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब देन कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग. दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ.